और मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ दोस्तों, ये हैं 89। ये सीढ़ियाँ आप पूरी काउंट करेंगे तो 89 सीढ़ियाँ निकलेंगे। और फिलहाल इसके अंदर पानी है पर, लेकिन पानी जो है पूरा काला पड़ा हुआ है। देखिए सामने आप जो देख रहे हैं वो पूरा पानी काला है। और अगर आप हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल दिल्ली। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुराने किले के अंदर है एक बावली, वही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ दोस्तों पुराने किले की, और पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बावली जो पुराने किले के अंदर बनी हुई है। सबसे पहले मैं, ये है रास्ता आने का, वो सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो बड़ा दरवाज़ा है जिसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। और इस तरफ है मस्जिद, किलाए कूना मस्जिद कहते हैं, जिसे भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये पूरा जो किला बनाया था दोस्तों 1540 से 45 में शेरशाह सूरी का जो दौर रहा था उस टाइम बना था। और पहले भी इसमें चीज़ें बनी हुई थी पर, लेकिन जो शेरशाह सूरी था उन्होंने तोड़वा दी थी, क्योंकि हुमायूं का जो दौर था उस टाइम हुमायूं ने अपनी सिटी दीन पनाह बनाई थी, उस दीन पनाह को चेंज करके शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ रख दी थी। चलिए अब मैं इसी रास्ते से आपको लेकर चलता हूँ बावली तक। सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो शेर मंडल है, उसकी वीडियो मैंने बना दी, आप देख सकते हैं। उस तरफ हमाम है, उसकी वीडियो बना दी मैंने। पीछे एक दरवाज़ा है हुमायूं दरवाज़ा, उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। अब यही रास्ता जा रहा है बावली के लिए। जस्ट बावली के पीछे ही मस्जिद है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बावली तक। देख लिया, सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से हिस्ट्री। पूरी जो सीढ़ी है वो 89 सीढ़ियाँ बनी हुई है इसके अंदर, और एक स्क्वायर में ये बावली बनी है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको बावली तक। ये देखिए, इसके अंदर फ़िलहाल जाना मना है। जैसे आप अग्रसेन की बावली है वो फ़िलहाल खुली है, ऐसी कई बावली हैं जो खुली हुई हैं पर इसमें ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ दोस्तों, ये हैं 89। ये सीढ़ियाँ आप पूरी काउंट करेंगे तो 89 सीढ़ियाँ निकलेंगे। और फिलहाल इसके अंदर पानी है पर, लेकिन पानी जो है पूरा काला पड़ा हुआ है। देखिए सामने आप जो देख रहे हैं वो पूरा पानी काला है। और अगर आप अपने घर के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 3 मंजिल तो होगी है। जैसे हम लोगों के जो घर होते हैं वो ज़्यादा 3 मंजिल 4 मंजिल, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ 3 मंजिल की तो ये होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पत्थरों से बना रखी है, पहाड़ी के पत्थर यूज़ कर रखे हैं। और इस चारों तरफ से ये जाल कवर कर रखा है, क्योंकि जाना इसके अंदर बंद है इसलिए बना। पहले ये जाल और ये गेट नहीं होगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने ही बनवाई होगी बावली, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है शेरशाह सूरी ने ही बनवाई है। इसके अंदर हमाम हो गया, शेर मंडल हो गया, या और भी दरवाजे हैं, 3 दरवाजे टोटल हैं इसके अंदर पर, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक दरवाज़ा काम का है, उसी से आप अंदर आ सकते हैं। तो यही है दोस्तों बावली, और बाकी सारा इसके आसपास गार्डन है, आप लोग आ सकते हैं, 20 रुपये की टिकट है। तो चलिए दोस्तों मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, उससे सपोर्ट करना मुझे। और आप लोग भी आके देख सकते हैं, पुराने किले के अंदर है और 20 रुपये की टिकट के साथ पूरा किला घूम सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।